नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजय शर्मा और आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार हम वेक्टर मास्क से चेहरे पे आए दाग धब्बे या रिंकल्स को फोटो में हटा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि इस फोटो पर इसके चेहरे पे कितने ही दाग हैं। तो उसे हटाने के लिए सबसे पहले हम लेयर की कॉपी कर लेंगे कंट्रोल अल्ट जे से। दोस्तों, अभी मैं इसकी तीन कॉपी कर रहा हूँ। ऊपर वाली को इनविजिबल करके सेंटर वाली कॉपी में फिल्टर से जाके ब्लर और गॉशियन ब्लर पर जस्ट ओके करना है। और यहाँ पे हम इसके फेस को थोड़ा ब्लर करेंगे। इसे इतना ब्लर करेंगे कि जिससे इसके दाग उन हमें ना दिखें, ज़्यादा भी नहीं, इतना ठीक है इसके लिए। जस्ट हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, ब्लर करने के बाद हम इस लेयर को वापस से ओपन कर लेंगे जिससे विजिबल हो सके। दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर वेक्टर मास्क का सिलेक्शन कर रहा हूँ। वेक्टर मास्क का सिलेक्शन करने के बाद मैं ब्रश का सिलेक्शन करूँगा और उसे इसके चेहरे पर फेरूंगा जिससे इसके चेहरे पर जो भी दाग हैं या जो भी रिंकल्स हैं वो हट जाएंगे। और इस लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे जिससे यहाँ पर हम इस लेयर पर मास्क दे सकें। जस्ट यहाँ पर जाकर इसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट कर मास्किंग स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, जैसे ही अब मैं ब्रश को कहीं पर फेरूंगा तो इस तरह से इसके चेहरे के दाग हटते जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसके चेहरे के रिंकल्स हटा सकते हैं या दागों को हटा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से वेक्टर मास्क द्वारा हम फोटोशॉप में चेहरे के दाग धब्बे या रिंकल्स को हटा सकते हैं।